अभी से लेके क्या चीज तो दूसरा तोड़ लो ना। हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और ये धनिया पत्ता मैंने रात में ही धुलाई करके रखा था टोकरी में, तो अब ये सूख गया है, तो इसको मैं डब्बे में पैक कर देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज है संडे और आज मैं उठी हूँ देर से, क्योंकि संडे तो थोड़ा रिलैक्स का दिन होता है फ्रेंड्स, तो आज उठने की कोई जल्दीबाजी नहीं थी। तो अभी मैं जगी हूँ और झाड़ू मैंने कर लिया है, और झाड़ू करने के बाद, ब्रश करने के बाद मैं आ रही हूँ किचन में। तो यहाँ बन रही है मेरी चाय, तो चाय तो बंद नहीं हो पा रहा है। और सौरभ अभी भी सो रहा है, उसके ना क्लास 10:30 बजे उसकी ट्यूशन भी है, तो इसलिए भी वो भी लेट से उठ रहा है, तो जा रही हूँ उसे भी जगाने। और इस समय बज गए हैं फ्रेंड 7:45 बज गए हैं, और मैं लगभग 7:15 में उठी थी। सॉरी फ्रेंड्स, ये सुना आपने फ्रेंड्स? तो यही है ना, सुबह जो मॉर्निंग में मुझे ना वीडियो शूट करना और वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सुबह अभी से लेके सुना, तो यही कारण मॉर्निंग में मुझे वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा आवाज आती है ना, और सारे खिड़की दरवाजा तो बंद नहीं रख सकते हैं, सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा बाहर का फ्रेश एयर भी आना चाहिए घर में, तो सुबह थोड़ा सी दिक्कत होती है। तो चलिए कोई नहीं फ्रेंड्स, अब जगाती हूँ पहले सौरभ को। और ये देखिए फ्रेंड्स, सौरभ कैसे गहरी नींद में सोया हुआ है फ्रेंड्स। और ये पता है, अपने कमरे से उठ के और है ना फ्रेश होने के बाद ये फिर से दोबारा से है ना मेरे पास आके लेट गया फ्रेंड, और गहरी नींद में सो गया था फ्रेंड। तो फिर मैंने उसको जगा दिया था फ्रेंड। और ये उसके बाद फ्रेंड दोपहर का है, इस समय 12 बज गए हैं लगभग फ्रेंड्स, और मैं अभी नहाई हूँ, तो मैंने खाना वगैरह सब बना लिया है, बस सिर्फ चावल बनाने बाकी हैं फ्रेंड्स। तो और कपड़े भी मैंने मशीन में डाल रखे हैं फ्रेंड, तो इसी में मैं ये टॉवल भी डाल देती हूँ, और उस टॉवल भी साथ में धुल जाएगा, तो मशीन ऑन कर देती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड, अभी आप लोगों को शायद मेरी वॉइस ओवर में कर रही हूँ तो एक्स्ट्रा आवाज़ भी आ रही होगी फ्रेंड, तो इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड। मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे वॉइस ओवर करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम होती है आजकल। सुबह वो कबाड़ी वाले, फेरी वाले और सब्जी वाले परेशान करते हैं, और रात में क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर जो है ना आसपास ही है ना विवाह भवन है, तो मैरिज हाउस है, तो उसमें ना आए दिन है ना अभी लगन चल रहा है जैसा कि, तो हमेशा ही वहाँ शादी होता है विवाह, तो वो डीजे वगैरह का आवाज़ आता है, और आज भी अभी भी है ना ऑर्केस्ट्रा का आवाज़ आ रहा है क्या। और फ्रेंड, अभी रात के बज रहे हैं 9:30, और इस समय भी मैं ना मतलब खाना छोड़ के दिन भर का जो भी मैंने शूट किया था, तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह कर लेती हूँ, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूँ फ्रेंड, समझ नहीं आता है। ये वाइटी का ही सभी दुश्मन है फ्रेंड। दोपहर के 12 बज गए हैं, और अभी मैं नहाई हूँ, पूजा हो गई है मेरी, और खाना भी देखिए मेरा पूरा सब कुछ बन चुका था फ्रेंड, सिर्फ चावल बनाना है, तो चावल मैं अभी बनाऊंगी। और फ्रेंड, आज मेरे यहाँ कोई गेस्ट भी आ रहे हैं, तो थोड़ा खाना उन लोगों के लिए भी मैंने मतलब सबके लिए खाना भी बनाया है, तो ज़्यादा कोई नहीं, मेरे से छोटी है, मेरी सिस्टर है, तो वो आ रही है, तो और उसकी एक फ्रेंड आ रही है, तो उसके लिए भी मैं खाना बना रही हूँ, और वो यहीं रहती है लोकल में ही, तो मैं उसको बुलाई हूँ, कुछ काम है मुझे उससे, तो इसीलिए वो आ रही है, तो उसी के लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो मैंने क्या क्या बनाया है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैंने आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई है, और इसमें मैंने मंचूरियन बनाया है, वेज मंचूरियन, और इसमें पपीते का रायता बनाया है मैंने, और इस इधर मैंने बैगन फ्राई बनाया है, और इसमें है दाल फ्राई, और इसमें है ये धनिया पत्ता और टमाटर की चटनी। तो सब कुछ मैंने बना लिया फ्रेंड्स, तो सिर्फ चावल गरम गरम मैं अभी बनाऊंगी, और देखते हैं हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं नहाई हूँ, पूजा की उतर जाती हूँ, पहले कुछ मैं खा लेती हूँ फ्रेंड्स। यही कारण है फ्रेंड जो मुझे ना भूख लगती ही नहीं है, मतलब मेरे दोपहर हो जाता है नाश्ता में ही, और मैं खाना खाती हूँ 4:00 बजे। मेरी कई फ्रेंड्स से जानती हैं कि जब भी वो पूछती है खाना खा लिया, तो मैं बोलती हूँ नहीं, तो यही कारण है फ्रेंड मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ, जिसके कारण मुझे भूख नहीं लगती है जल्दी, और
मैं खाती हूँ जो फर्स्ट जो बोलते हैं ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग का सुबह का खाना वो मेरा 11-12। और फ्रेंड ये हम लोग पहुँच गए हैं प्लॉट पर और ये मेरे साथ जो देख रही हैं तो उसमें से वो जो ब्लैक पहनी हुई है ना जींस तो वो मेरी है ना सिस्टर है यानी कि कजन सिस्टर मेरे मामा की लड़की है तो यहीं वो रहती है हॉस्टल में पढ़ाई करती है। तो आज संडे था तो मैंने बहुत जिद किया कि आओ आज छुट्टी है तो आओ तो इसलिए वो आई है मेरे पास। तो और हम लोग खाना वाना खा चुके हैं उसके बाद आए हैं प्लॉट पर और यहाँ तोड़ रहे हैं नींबू। और फ्रेंड जब कोई अपने घर से आता है तो बहुत खुशी होती है तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि वैसे तो मैं अकेले ही रहती हूँ ज़्यादातर क्योंकि बच्चे स्कूल हस्बैंड ड्यूटी तो आज मेरी सिस्टर आई है और उसके साथ एक है ना उसकी फ्रेंड भी आई है उसकी रूम पार्टनर है तो वो भी आई है तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ हम लोग है ना घूम रहे हैं और ये देखिए नींबू मतलब डंडा से पहले मार गए ना सारे नींबू नीचे गिरा रहे थे और फिर उसको चुन रहे थे क्योंकि पेड़ में तो हाथ ही नहीं लगा पा रहे थे फ्रेंड इतना ज़्यादा उसमें काटा है। तो वैसे ही हम लोग तोड़ रहे हैं और इसको तोड़ने में हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी कर रहे थे बहुत हंस रहे थे कई बार हम लोगों को काटा भी चुभ गया था। और ये इसको ना फूल के पौधे भी लेने थे ये वाइट वाले जो अड़हुल होते हैं तो इसका इसने डाली भी लिया और बोले थे कि दीदी मुझे कड़ी पत्ता भी लेना है तो कड़ी पत्ता भी लेके गई फ्रेंड तो क्योंकि एक दो दिन बाद ये अपने मतलब घर में नानी घर भी जाएगी तो इसलिए ये लेके जाएगी वहाँ लगाएगी। तो ये देखिए कड़ी पत्ता निकाल रही है और फ्रेंड यहाँ मिस्त्री भी लगा हुआ है तो लगे हाथों मैंने सोचा थोड़ा उन लोगों को भी देख लूँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो छत पे भी मैं थोड़ी देर के लिए गई और यहाँ भी है ना मिस्त्री लगे हुए हैं फ्रेंड तो क्योंकि जो है सेंटरिंग का काम अभी कुछ कुछ बाकी था तो छड़ वगैरह बंधा रहा है उसके बाद अभी छड़ बंधने के बाद फिर बाकी का जो है ढलाई वगैरह होगा। तो ये देखिए मैं पहुँच गई हूँ छत पर और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने है ना ये सूरज को कैप्चर किया फ्रेंड्स और इस समय लगभग 4:30 बज रहे होंगे फ्रेंड्स तो है ना सूरज भी है ना अब आधे घंटे बाद डूब जाएगा तो वो कितना अच्छा लग रहा था वो नज़ारा तो मैंने थोड़ा सा कैद किया है। और इधर देखिए मिस्त्री लगे हुए हैं काम पे अपने और उसके बाद मैं आ गई थी घर और यहाँ के मैंने बनाया पिज़्ज़ा और सबको खिलाया फ्रेंड्स और उसके बाद चली गई थी फ्रेंड वो लोग खा के। तो ये मैं बना रही हूँ सौरभ के लिए और उसके जाने के बाद बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा है तो खैर कोई नहीं फ्रेंड्स। और ये देखिए सौरभ के लिए मैं बना दी हूँ ऐसे उसने उस समय खाया था लेकिन उसे पूरा एक पूरा पिज़्ज़ा बना के मतलब जब तक वो नहीं खाता है तो उसको संतुष्टि नहीं होता तो मैं उसके लिए फिर से एक बना रही हूँ फ्रेंड्स। और ये खाने के बाद वो रात में अब खाना भी नहीं खाएगा। और उसके बाद फ्रेंड है ना सारे अपना साफ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि है ना कोई आ जाता है तो बात में लगे रहो तो काम फिर बिखरा रह जाता है तो अभी मैं सारा कुछ है ना ये क्लीन कर रही हूँ। और ये देखिए सौरभ अपना प्लेट लेके जा रहा है पिज़्ज़ा का। और उसके जाने के बाद फ्रेंड मैंने है ना पूजा भी किया ये कर लिया था सांबत्ती का पूजा भी कर लिया था तो वो मैंने सूट नहीं किया फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ मैं अपने बालों को सुखाने लग गई हूँ फ्रेंड क्योंकि दिन भर ना मेरा क्लेचर लगा रह गया जब से शैम्पू की हूँ तो बाल नहीं सूख पाया था तो इसलिए मैं सुखा रही हूँ नहीं तो है ना पूरा गला जो है मेरा खराश होने लगता है और जुकाम आने लगती है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो मेरी फ्रेंड यहीं तक है अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।